दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को, और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाओं के बारे में आपको मिलते रहे। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दवा फ्लुकोनाजोल के बारे में। फ्लुकोनाजोल का यूज़ क्या है, इसके ब्रांड्स मार्केट में कौन सी अवेलेबल है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, और किन किन पेशेंट को ये दवा नहीं देनी चाहिए, और साथ ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ इट वर्क्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें। आप हैं मोहित दादीज के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मेडिटॉक्स के इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे फ्लुकोनाजोल दवा के बारे में। फ्लुकोनाजोल एक एंटीफंगल मेडिसिन है जो मार्केट में जेनरिक और ब्रांड नेम दोनों से अवेलेबल है। इसकी जो ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है वो फोरकेन, जोकॉन, फ्लूका, एप्सियन, फंगिकॉन, फ्लूकागेन, ये सभी है, और इसके अलावा खूब सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। इसकी जो फॉर्म्स है, टेबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म, तीनों फॉर्म में अवेलेबल रहता है। इंजेक्शन फॉर्म सिर्फ हॉस्पिटल यूज़ के लिए रहता है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है फ्लुकोनाजोल की, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम की पैकिंग में आती है। दोस्तों फ्लुकोनाजोल के प्रिकॉशंस के बारे में जानते हैं। प्रिकॉशंस का मतलब होता है किन किन पेशेंट को फ्लुकोनाजोल नहीं देनी चाहिए। वो मरीज जो फ्लुकोनाजोल से एलर्जी के, उन्हें फ्लुकोनाजोल टेबलेट नहीं दी जाती है। साथ ही एजोल एंटीफंगल ग्रुप की जो मेडिसिन है, जैसे कीटाकोनाजोल है या इट्राकोनाजोल है, उनसे अगर एलर्जी है पेशेंट तो उसे भी फ्लुकोनाजोल टेबलेट नहीं दी जाएगी। यदि किसी पेशेंट को लीवर डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है तो उसे भी फ्लुकोनाजोल टेबलेट नहीं दी जाएगी। और दोस्तों अगर प्रेग्नेंट वुमन है, शुरुआती 3 महीने में फ्लुकोनाजोल प्रेग्नेंट वुमन को नहीं दी जाती है, क्योंकि ये अनबॉर्न बेबी को डैमेज करता है, कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। और 3 महीने के बाद अगर डॉक्टर को आवश्यकता महसूस हो तो वो फ्लुकोनाजोल पेशेंट को दे सकता है। दोस्तों अब जानते हैं फ्लुकोनाजोल के यूज़ के बारे में। मुख्य रूप से फ्लुकोनाजोल का जो यूज़ है, कैंडिडियासिस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। कैंडिडियासिस का सामान्य भाषा में मतलब अगर समझें तो किसी मरीज के जीभ पर, मुंह में या फिर गले में सफ़ेद निशान हो जाएंगे या दाग हो जाएंगे, उन पर स्वेलिंग सी आ जाएगी, जिसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसी कारण से उसके गले में खारापन सा लगेगा और उसे कुछ भी निगलने में परेशानी रहेगी। इस स्थिति को ट्रीट करने के लिए फ्लुकोनाजोल का यूज़ किया जाता है। और जो कैंडिडियासिस है, ये इन्फेक्शन वेजाइना में, मतलब फीमेल जननांगों में, गुप्तांगों में भी होता है। तब पर्टिकुलर एरिया में जलन होने लगती है, खुजली होती है और वाइट डिस्चार्ज भी होने लगता है। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी फ्लुकोनाजोल का यूज़ किया जाता है। और ये इन्फेक्शन जब पेनिस पे होता है, मतलब मेन जननांगों पे, गुप्तांगों पे मेल के, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे आपको खुजली चलेगी और स्वेलिंग सी महसूस होगी, तो उस एरिया पे भी आप फ्लुकोनाजोल से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जो कैंडिडियासिस है, शरीर पर एक अंग से दूसरे अंग पर बहुत जल्दी फैलता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाना उचित रहता है। फ्लुकोनाजोल का प्रयोग स्किन पर हुए अन्य फंगल इन्फेक्शन पर भी किया जाता है, जैसे कि हाथ या पांव की उंगलियों में सूजन आ जाती है, लाल लाल हो जाती है, बगल अंडर आर्म्स में, घुटनों के पीछे, जांघों पर रेडनेस और खुजली सी हो जाती है, सूजन आ जाती है, इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी फ्लुकोनाजोल का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड फ्लुकोनाजोल मैग्नेटिक्स जो रोग है, इसका मतलब रहता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको ट्रीट करने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों अब फ्लुकोनाजोल के डोज की बारे में बात करते हैं। फ्लुकोनाजोल की डोज है, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रहती है। यहाँ हम कैंडिडियासिस जो मुँह में होता है उसके बारे में बात करते हैं। एडल्ट के जो इसकी डोज है, 200 मिलीग्राम की टेबलेट पहले दिन दी जाती है और उसके बाद में 100 मिलीग्राम की टेबलेट प्रत्येक चौथे दिन दी जाएगी, और ये लगभग 2 हफ्तों तक ट्रीटमेंट दिया जाता है। और वेजाइनल कैंडिडियासिस में इस फ्लुकोनाजोल का जो डोज है वो 150 मिलीग्राम की टेबलेट फर्स्ट डे, और उसके बाद हर तीसरे दिन एक टेबलेट दी जाती है, और 3 टेबलेट से ज़्यादा वेजाइनल कैंडिडियासिस में नहीं दी जाती है। और सेम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो सेम की सेम डोज आप दे सकते हैं। अब अगर ओवरडोज हो जाए फ्लुकोनाजोल की, मतलब डोज लेते समय आप ज़्यादा डोज ले लें, तो उस समय आपको प्रॉब्लम होगी ब्रीथिंग की,
सबसे जो मेन प्रॉब्लम है ब्रीथिंग में आपको प्रॉब्लम होगी अगर ऐसी स्थिति हो तो उसकी डोज आप कम कर दें और डॉक्टर से एक बार मिल लें। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट क्या क्या रह सकते हैं? आपको नोजिया हो सकता है, मतलब मतली हो सकती है, आपको उल्टी हो सकती है, दस्त लग सकती है, पेट दर्द भी हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है अगर फ्लुकोनाजोल का साइड इफेक्ट हो, और कई बार हेयर लॉस भी होते हैं और डार्क यूरिन, मतलब यूरिन का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, अनचाही सी थकान आपको रहेगी, ऐसी स्थिति हो या इसके अलावा भी कोई अनवांटेड इफेक्ट दिखे तो तुरंत ही दवा का प्रयोग बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। दोस्तों अब बात करते हैं फ्लुकोनाजोल कार्य कैसे करता है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जो फ्लुकोनाजोल है ट्राइजोल एंटीफंगल क्लास की दवा है जो कैंडिडियासिस को जो लिए जिम्मेदार फंगई है, ऐसी एक फंगस है जिससे कैंडिडियासिस होता है, उसका नाम है कैंडिडा, उसको ब्लॉक करता है, उसको बढ़ने से रोकता है। और यदि मेडिकल की भाषा में समझे तो फ्लुकोनाजोल कैंडिडियासिस के लिए जिम्मेदार फंगई कैंडिडा में लेनोस्टेरोल को इर्गोस्टेरोल में बदलने से रोकता है जो इस फंगई की ग्रोथ का महत्वपूर्ण घटक है। इस तरह से ये कैंडिडियासिस को ख़त्म करता है। दोस्तों ये वीडियो था फ्लुकोनाजोल के बारे में, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते